अर्थव्यवस्था खुलने के साथ ही दालें महंगे होने लगी हैं। बीते एक महीने में दाल दलहन के भाव 16% तक बढ़े हैं। स्कूल कॉलेज और हॉस्टल खुलने के साथ ही पर्यटन बढ़ने से होटल रेस्टोरेंट्स की मांग बढ़ी है। इस बीच डीजल के दाम बढ़ने से लॉजिस्टिक खर्च भी बढ़ा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे बड़े उत्पादक राज्यों में अरहर की फसल 30% तक कम उतरने की आशंका जताई जा रही है। बीते एक महीने में सबसे ज़्यादा 16% काबुली चने के भाव बढ़े हैं। अभी यह 110 रुपये प्रति किलो तक है, जो एक महीने पहले 95 रुपये प्रति किलो था। देसी चना भी 5000 रुपये से बढ़कर 5100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इस बीच दालें 7 से 10% महंगी हुई हैं। अरहर दाल 125 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई है, जबकि सबसे सस्ती बिकने वाली चना दाल 80 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दाल व्यापारियों के मुताबिक अरहर एकमात्र ऐसी दाल है जिसका उपभोक्ता भी स्टॉक रखते हैं। मार्च से मई के बीच इसकी कंज्यूमर स्टॉकिंग चलती है, इसके चलते सेंटीमेंट्स अमूमन मजबूत रहता है। प्रमुख अरहर उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में इन दिनों औसत मॉडल मंडी प्राइस 6400 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं, जबकि MSP 6300 रुपये प्रति क्विंटल है। सीजन 2021-22 के लिए अपने दूसरे अनुमान में सरकार ने 40 लाख टन अरहर उत्पादन का अनुमान लगाया है। ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल 20% कम उत्पादन रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।